Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो वो प्रभु की महिमा को ना समझे। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता। जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएगा। राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन राम गोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएगा। एक दूसरा मुद्दा, आपने जो पाकिस्तान को लेकर लगातार हमने बोल रही है, फवाद हुसैन का एक ट्वीट आया था जिसका आपने कहा था। निश्चित रूप से चुनाव चल रहा है हमारे देश में और राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान में, विदेश में। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आरक्षण को लेकर मैम लगातार चर्चा हो रही है, लालू प्रसाद यादव का जो बयान है उन्होंने मंडल कमीशन का हवाला देते हुए, देखिए भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता और भारत के संविधान को संशोधित कर धर्म के आधार पर आरक्षण देने के दुस्साहस कांग्रेस पार्टी के या उनके सहयोगी दल के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि लालू प्रसाद यादव जी ने राहुल गांधी के प्लान से पर्दाफाश कर दिया है, देश को बता दिया है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की मंशा यही है कि वो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करेंगे। ये राहुल गांधी का मंतव्य है, यही इंडिया अलायंस की कोशिश है, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि नागरिक कमल का बटा